गट्टू चिंकी के गुड हैबिट्स। हम सब जानते हैं कि बच्चे देख देख कर ही सीखते हैं। अच्छी और बुरी आदतें बच्चे देख कर सीख जाते हैं, लेकिन कई बार बच्चों को अच्छी और बुरी आदतों में फर्क करना सीखना जरूरी हो जाता है। आज स्कूल में गेस्ट लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया है। सभी बच्चे आने वाले सर का इंतजार कर रहे थे, तभी वे क्लास में दाखिल हुए। वह सर काफी यंग थे और उनके हाथ में कुछ किताबें और एक बड़ा सा टैब था। उन्हें देखकर बच्चे काफी एक्साइटेड हो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं सभी से गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप सभी मुझे अपनी अच्छी आदत के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तुम, सर ने बंटी की ओर हाथ करते हुए कहा। अचानक बंटी को बोलने के लिए कहा गया और बंटी हिचकिचाकर बोलने लगा, मेरी अच्छी आदत है कि मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। बंटी के जवाब पर क्लास हंस पड़ा। अच्छा नेक्स्ट। पापा मम्मी कहते हैं कि स्कूल का होमवर्क पूरा करना मेरी अच्छी आदत है। सर, मेरी अच्छी आदत यह है कि मैं घर पर एक न्यू लैंग्वेज सीख रहा हूँ। अच्छा गट्टू, वो कैसे? डुओलिंगो ऐप की मदद से। डुओलिंगो? ये क्या है गट्टू? सर, ये वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। मैं आपको आपके टैबलेट में दिखाता हूँ, जिससे कि सब देख पाए। ये लो बेटा। गट्टू टैब लेता है और डुओलिंगो ऐप डाउनलोड करके सबको दिखाता है। इसमें 40+ लैंग्वेजेस हैं जो आप सीखते हो, और मैं इसमें फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा हूँ। वाओ! और तो और, इसको यूज करना भी एकदम इजी है, बिल्कुल एक गेम जैसे। ये देखो सर, इस वाक्य का अनुवाद करे। माई हाउस इज बिग। मेरा घर बड़ा है। ये! अगर आप लोग भी मेरी तरह लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो अभी डाउनलोड करो डुओलिंगो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सर, गट्टू की एक और अच्छी आदत मैं बताऊं? हाँ जरूर बताओ। सर, गट्टू की अच्छी आदत ये है कि वो मुझे हमेशा होमवर्क में मदद करता है, और कई बार गट्टू मेरा पूरा होमवर्क कंप्लीट कर देता है। हाँ सर, मैंने कई बार चिंकी का होमवर्क कंप्लीट किया है। देखो बच्चों, तुम सभी ने अपनी अपनी अच्छी आदतें मुझे बताई, अब यही देख लो गट्टू अपने साथ साथ चिंकी का भी होमवर्क पूरा करता है। जिसे गट्टू अच्छी आदत कह रहा है, ये गट्टू के लिए अच्छी आदत होगी भी, लेकिन ये चिंकी के लिए अच्छी आदत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एक बुरी आदत कहलाएगी। सभी सर की बात को ध्यान से सुनने लगे। अपना काम हमें खुद करना चाहिए। चलो बच्चों, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। बचपन में मैं और मेरा भाई, हम दोनों को चॉकलेट खाने की बहुत आदत थी। लेकिन सर, चॉकलेट खाना तो अच्छी आदत होती है ना? हाँ बेटा, लेकिन हम आए हुए मेहमानों से चॉकलेट खाने की जिद पकड़ लेते। फिर पापा ने हमसे कहा कि अगर हमें चॉकलेट चाहिए तो हम गार्डन में जाकर सबसे पहले पौधों को पानी डाले, उसके बाद ही हमें चॉकलेट मिलेगा। और उस वक्त हमारा घर 7वीं मंजिल पर था। हम चॉकलेट के लिए 7वीं मंजिल से नीचे आते, पौधे को पानी डालते और चॉकलेट खाते। बच्चे सर की बात को गौर से सुन रहे थे। इस तरह से हमें रोज रोज चॉकलेट मिलने पर हम चॉकलेट खाने से बोर हो गए, और बाद में हमने चॉकलेट खाना भी बंद कर दिया। लेकिन हमें पौधों को पानी डालने की आदत लग गई, और हम आज तक हमारे गार्डन के पौधों को पानी डालते आए हैं। इसी तरह से हमें अच्छी आदत लग गई। सर की बात सभी बच्चे इतनी ध्यान से सुन रहे थे कि सभी बच्चों ने सर के लिए तालियां बजाई। गेस्ट लेक्चर खत्म होने के बाद सभी बच्चे एक दूसरे के गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स को लेकर डिस्कशन करने लगे। दादी हमेशा कहती है कि हमें अच्छी आदत हो तो हम जिंदगी में कामयाब बनते हैं। हाँ, अब सर की तरह मैं भी रोज पौधे को पानी डालूंगा, उसके बाद ही चॉकलेट खाऊंगा। इस तरह से मुझे अच्छी आदत भी लग जाएगी, लेकिन मैं चॉकलेट खाना नहीं छोड़ूंगा। बंटी के इस बात पर सभी हंस पड़े। हाँ, हमें हमेशा अच्छे बच्चे की तरह रहना चाहिए, मम्मी पापा को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। सही कहा। अगले दिन सुबह गट्टू और चिंकी मम्मी के उठने से पहले ही जल्दी उठकर बिस्तर पर बैठ गए और धरती को वंदन करने लगे। कराग्रेवस्ते लक्ष्मी, कर्मध्ये सरस्वती, कर्मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। गट्टू और चिंकी की आवाज सुनकर मम्मी किचन से बाहर आई। अरे वाह गट्टू चिंकी, तुम जल्दी उठ गए और तुम दोनों ने मिलकर प्रार्थना भी की।
क्या बात है। गट्टू और चिंकी बेड से उतरकर सीधे मम्मी को जाकर गले लग गए। मम्मी गट्टू और चिंकी पर खुश हो गई। गट्टू और चिंकी नहा धोकर एकदम तैयार हो गए। आज गट्टू और चिंकी के पीछे मम्मी को नहीं लगना पड़ा। बिना कहे गट्टू और चिंकी जल्दी तैयार हो गए। गट्टू और चिंकी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे, तभी मम्मी ने गट्टू और चिंकी को दूध का गिलास थमाया। गट्टू चिंकी, हर रोज की तरह दूध पीने में नाटक नहीं करना। तुम दोनों अच्छे बच्चे की तरह दूध खत्म करो जल्दी। जी मम्मी, अभी खत्म करते हैं। देखते ही देखते गट्टू और चिंकी दोनों ने अपना दूध का गिलास खत्म किया। मम्मी और पापा देखकर हैरान हो गए। क्या बात है गट्टू चिंकी, है? तुम दोनों तो अच्छे बच्चे की तरह बर्ताव कर रहे हो। मैं आज तुम दोनों पर बहुत खुश हूँ। थैंक यू पापा, बड़ों की बात सुनना चाहिए, ये एक अच्छी आदत है। अब हम रोज बिना रट लगाए दूध खत्म करेंगे। वेरी गुड गट्टू चिंकी। अरे बेटा, हर रोज तो तुम 10 मिनट बाद निकलते हो। हाँ मम्मी, लेकिन स्कूल में हमें समय से पहले पहुँचना जरूरी है, ये एक अच्छी आदत है जिस वजह से हम स्कूल में लेट नहीं होंगे। देखा जी आपने, हमारे बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। गट्टू चिंकी पापा के साथ स्कूल के लिए निकल गए। शाम को गट्टू चिंकी घर लौटे, दोनों ने अपना स्कूल बैग, अपने जूते सही तरीके से जगह पर रख दिए और अपना यूनिफॉर्म चेंज करके दोनों नीचे खेलने चले गए। इसी तरह गट्टू और चिंकी हर रोज जल्दी उठते, अपना दूध खत्म करते और फिर स्कूल में अच्छी तरह से पढ़कर शाम को लौटने पर खेलने चले जाते। चिंकी, आज स्कूल जाने में बहुत वक्त है, तो चलो हम टीवी देखते हैं। यस गट्टू, काफी देर है और टीवी पर नया कार्टून शो भी आया है, चलो देखते हैं। गट्टू चिंकी टीवी के सामने बैठकर स्कूल का समय होने पर पापा के साथ स्कूल के लिए निकल गए। मम्मी गट्टू और चिंकी को नोटिस कर रही थी कि हर रोज गट्टू चिंकी बहुत जल्दी उठ जाते, उठते ही टीवी के सामने बैठ जाते, स्कूल का समय होने पर स्कूल के लिए निकल जाते। आज फिर गट्टू और चिंकी स्कूल से पहले टीवी के सामने बैठ गए तो मम्मी ने कहा, गट्टू चिंकी, यूँ सुबह सुबह टीवी के सामने बैठकर अपनी आदत क्यों बिगाड़ रहे हो बच्चों? क्या मम्मी आप भी, हम तो कितना जल्दी उठ जाते हैं और फिर स्कूल के लिए जाने में वक्त होता है, इसीलिए हम टीवी देखते हैं, इससे हमारी आदत थोड़ी बिगड़ी है। हाँ मम्मी, बचे हुए समय में ही तो हम टीवी देख रहे हैं। बेटा, आदत उस व्यवहार का नाम है जो हर रोज करने पर उसकी आदत पड़ जाती है और वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं। क्या मतलब मम्मी? बेटा, अगर तुम जल्दी उठकर यूँ टीवी के सामने बैठ जाओगे तो तुम्हें इस बात की आदत लग जाएगी और तुम टीवी देखे बिना स्कूल जा ही नहीं पाओगे, जिससे तुम्हारी आदत बिगड़ जाएगी। इससे अच्छा तुम स्कूल की कुछ किताबें ही पढ़ो, जिससे तुम्हें सुबह सुबह पढ़ने की आदत लगेगी। अरे हाँ मम्मी, स्कूल में टीचर जब सिखाते हैं तब दिमाग में कार्टून शो ही चलता रहता है। चिंकी तो मेरी बात अच्छी तरह से समझ गई। गट्टू, तुम समझ रहे हो क्या? समझ गया मम्मी, हमें सुबह के समय का अच्छा उपयोग करना चाहिए। जल्दी उठने की अच्छी आदत तो लग गई, लेकिन सुबह सुबह टीवी देखने की बुरी आदत भी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है मम्मी, अभी से हम इस आदत को कंटिन्यू नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच मम्मी। अरे बेटा, अपनी मम्मी को थैंक यू थोड़ी कहते हैं। मम्मी, टीचर ने सिखाया है कोई हमारी मदद करे तो थैंक यू बोलना अच्छी आदत होती है। इस बात पर मम्मी हंस पड़ी। अच्छी आदतें इंसान को सफल बनाती हैं और बुरी आदतें असफल बनाने में मदद करती हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।